एक बैंक से हम दूसरे बैंक में डीबीटी एनपीसीआई को एक्टिव कैसे कर सकते हैं और भी घर बैठे मोबाइल फोन से। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम सीखेंगे आप आधार कार्ड लिंक एक बैंक से दूसरे एक बैंक में ऑनलाइन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोगों का एक कमेंट आता है कि मेरे जो आधार कार्ड है ऑलरेडी किसी एक बैंक में लिंक किया हुआ है, तो दोस्तों हम दूसरे एक बैंक में आधार लिंक करना चाहते हैं यह प्रोसेस किया है। कभी कभी बार लोगों का यह भी कमेंट आता है कि मेरे जो आधार कार्ड है किसी भी बैंक से लिंक नहीं है, तो हम घर बैठे आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को कैसे लिंक कर सकते हैं, डीबीटी एनपीसीआई को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव नहीं होगा तो सरकारी योजना का कोई भी पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। सबसे पहले तो सरकारी योजना का पैसा आपका खाते में पाने से पहले आपके खाते एक आधार कार्ड से जुड़ना होगा, एनपीसीआई डीबीटी पर एक्टिव करना होगा। दोस्तों इसका फुल प्रोसेस आप सभी को बताऊंगा गारंटी के साथ, 100% वर्किंग प्रोसेस, घर बैठे 2 मिनट में आप अपने आधार कार्ड एनपीसीआई डीबीटी के साथ आप बैंक अकाउंट से लिंक करा सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करना होगा, अपने ही मोबाइल फोन में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करना होगा। इंटरनेट ब्राउजर ओपन करने के बाद ये चार्ज ब्राउजर में आपको सिंपली चार्ज करना होगा एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल मीनिंग होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई चार्ज करने के बाद npci.org.in जो ऑफिशियल लिंक है ये सबसे पहले मिलेगा, आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है। और एक बात है दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फोन डिवाइस है तो आपका जो भी डिवाइस है डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने मेरा डिवाइस को डेस्कटॉप मोड कर लिया है। डेस्कटॉप मोड करने के लिए सभी को 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे तरफ आके डेस्कटॉप साइड करके एक बॉक्स मिलेगा, सिंपली आपको यहां पर क्लिक करना है। करने के बाद जो भी डिवाइस होगा डेस्कटॉप मोड में हो जाएगा। होने के बाद देखिए एनपीसीआई का जो भी वेबसाइट है साइट आपके ब्राउजर पर ओपन हो जाएगा। अभी आपको सिंपली क्या करना है, ये जो कंज्यूमर की ऑप्शन है यहां पर ही क्लिक करना होगा। करने के बाद देखिए काफी सारा पॉपअप नीचे ओपन होगा, तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, भारत आधार सेटिंग इनेबलर इसी पर क्लिक करना होगा। इसी पर क्लिक करने के बाद और एक पेज ओपन हो जाएगा। कभी कभी बार नेटवर्क की वजह से थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन आपका डाटा कनेक्शन स्पीड हाई स्पीड होगा तो तुरंत ही आ जाएगा। ये पेज पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइमर लिखा होगा, इसी टाइम के अंदर ही आपको कंप्लीट काम करना है, यानी कि वर्क करना है। अगर आपका ये टाइमर से पहले नहीं कर सकते तो दोस्तों आप ये जो आपका जो भी ब्राउजर है यह लॉग आउट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा। और एक बात है दोस्तों, आप शायद तो आप आधार बैंक एनपीसीआई को डीएक्टिव भी कर सकते हैं, लेकिन इसी वीडियो में हम जानेंगे एक बैंक से दूसरे बैंक में हम आधार यानी कि एनपीसीआई को एक्टिव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आधार नंबर पेश करना होगा। आधार नंबर पेश करने के बाद रिक्वेस्ट फॉर आधार पर 2 ऑप्शन मिलेगा, सभी को सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर सेलेक्ट बैंक, आपका बैंक नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको यह कहना है कि आपके आधार कार्ड से किसी भी बैंक से लिंक नहीं है, तो आप जिस बैंक में आधार एनपीसीआई को एक्टिव करना चाहते हैं वही बैंक अकाउंट के नाम यहाँ पर चार्ज कर दीजिएगा। मैंने सिंपली यूएन चार्ज कर दिया, मतलब पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको क्या करना होगा, आपके बैंक रिकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद सेटिंग टाइप 3 ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले फ्रेश सेटिंग। फ्रेश सेटिंग का मतलब होता है कि आपका आधार कार्ड किसी बैंक के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद आ रहा है कि दूसरे नंबर पर मोमेंट विद इन द सेम बैंक विद अनदर बैंक। दूसरे नंबर पर आ रहा है आपका जो आधार कार्ड है ऑलरेडी किसी एक बैंक में लिंक किया हुआ है, लेकिन उसी बैंक में आपका और एक खाता है, ज्वाइंट अकाउंट है, तो उसी अकाउंट पर आपका लिंक करना है। तीसरे नंबर पर आ रहा है फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, मतलब एक बैंक से दूसरी बैंक से आप आधार एनपीसीआई को कैसे लिंक कर सकते हैं। आपका रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में लिंक करना है तो सबसे नीचे वाली ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको एक ही बैंक में दोबारा लिंक करना है, यानी कि एक ही बैंक पर 2 अकाउंट है, तो दोस्तों आपको मिडिल वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका आधार कार्ड किसी बैंक के साथ लिंक नहीं है तो ऊपर वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना सा करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना होगा। ध्यान रखिएगा अकाउंट नंबर आपको सही से पेश करना है। तो दोस्तों देखिए अकाउंट नंबर आपको 2 बार डालना होगा। सबसे पहले तो आपको अकाउंट नंबर ऊपर में डालना है, उसके बाद कंफर्मेशन में अकाउंट नंबर दोबारा डालना होगा। सेम अकाउंट नंबर सही से आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आपका अकाउंट नंबर सही नहीं होगा, एक भी नंबर आपने गलत डाल दिया होगा, तो इसी तरह अकाउंट नंबर इज नॉट मैचिंग करके लिखा होगा। अगर आपका इसी तरह रेड कलर का कोई भी लिखा नहीं आएगा, इसका मतलब आपका जो अकाउंट नंबर है दोनों में से सेम अकाउंट नंबर है या वेरीफाइड हो चुका है। जैसे कि देखिए अभी
मैंने सही कर दिए, उसके बाद यहाँ पर कोई भी रेड कलर के ऑप्शन लिखा नहीं आ रहे। तो अभी आपको सिंपली क्या करना होगा, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स पर राइट क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए नीचे और एक बॉक्स है, ये बॉक्स पर भी राइट क्लिक करना होगा। करने के बाद सबसे नीचे जाना होगा, नीचे आने के बाद देखिए कैप्सा मिलेगा, कैप्सा को आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। कैप्सा पेस्ट करने के बाद प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद और एक पेज ओपन होगा, टर्म एंड कंडीशन। तो आपको सिंपली नीचे तरफ स्क्रॉल करके इसको पढ़ना है, यानी कि आपको सिर्फ नीचे तरफ इसी तरह स्क्रॉल करना है। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद और एक पेज ओपन हो जाएगा इसी तरह प्रोसेसिंग में आके। अभी फिर से आपको नीचे तरफ स्क्रॉल करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पर दोबारा क्लिक करना है। उसके बाद और एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर बताया जाएगा ओटीपी, आपका जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है उसी पर ओटीपी मिलेगा। सिंपली आपको इसको कॉपी करना है, ओटीपी को कॉपी करना है, एंटर ओटीपी की जगह ओटीपी डाल के सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट करने से पहले आपसे को पास एक रिक्वेस्ट है, ये जो टाइमर है अगर 2.5 मिनट से कम होगा तो एक नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको सिंपली ओके बटन पर क्लिक करना होगा। तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद भीम यूपीआई का प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होके यहाँ पर लिखा होगा देखिए इनवाइटेड आधार मोमेंट टू पंजाब नेशनल बैंक। तो अभी आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। करने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका आधार कार्ड किसी एक बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट पर आधार सेटिंग, आपको वेट करना है। वेट करने के बाद ये जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट होने तक वेट करना है। कंप्लीट होने तक सिंपली आपको वेट करना है। उसके बाद आपका दोस्तों कंप्लीट होने तक वेट करना है। वेट करने के बाद आपका जो प्रोसीजर है 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को तो एक बैंक से दूसरी एक बैंक में आधार को लिंक करना है। एग्जांपल के तहत मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, का जो बैंक अकाउंट है ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट पर लिंक किया हुआ है, अभी आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर लिंक किया है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर एक्टिव लिखा होगा और पहले जो लिंक था ये ऑटोमेटिक डीएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आधार यानी कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार एक ही आधार होल्डर एक ही आधार कार्ड से आप सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट पर डीबीटी एनपीसीआई कर सकते हैं, यानी कि आधार कार्ड को लिंक करा सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट आप अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करा सकते, ज्वाइंट अकाउंट हो तो करा सकते हैं, लेकिन सिंगल एक ही आधार कार्ड में मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक नहीं करा सकते। दोस्तों ये क्लियर हो चुका है, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में आधार कार्ड लिंक करने का प्रोसीजर ये है। वीडियो के अंदर अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।